नमस्कार, मैं हूं अंजलि वर्मा। आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं यूपी की बड़ी खबरों की तरफ। यूपी के गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के मोदी नगर थाना इलाके में शाम ढलते ही हार्डवेयर कारोबारी की दुकान में घुसकर बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में हरमुखपुरी गेट नंबर 2 के पास एक सैनिटरी हार्डवेयर की दुकान में व्यापारी से बदमाशों ने दुकान में मौजूद कैश लूट लिया और बेखौफ तरीके से घटना को अंजाम दिया और वहां से फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 3 बताई जा रही है। लूट की इस वारदात का एक हिस्सा वहां के लगे सीसीटीवी में कैद हुआ है। वहीं घटना की सूचना पर अब पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। रिपोर्ट आई है यूपी के अमरोहा में, जहां पर रामगंगा पोषक नहर में एक अज्ञात व्यक्ति का शव तैरता मिला। आपको बता दें कि शव को नहर से बाहर निकाला गया है। मौके पर भारी भीड़ जुट गई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यह मामला नौगावा सादात कस्बे से सटे गाँव बिलना का है। खबर आ रही है यूपी के बाराबंकी जिले से। माँ बाप को सीख लेने वाली एक घटना सामने आई है। अक्सर घर पर आए बाबा और अन्य खाना कपड़ा मांगने वाले लोगों पर घर के लोग जल्दी से विश्वास कर लेते हैं और इन सभी मांगने वाले लोगों को घर से खाना और कपड़े देते रहते हैं। लेकिन बाराबंकी में जो हुआ वह दिल दहला देने वाला था। यहाँ नगर कोतवाली क्षेत्र के हिंदनगर लखपेड़ा बाग मोहल्ले में 3 शख्स बाबा के वेश में भिक्षा मांगने आए। भिक्षा मांगने के दौरान इन आरोपियों ने 5 साल की बच्ची को अगवा कर लिया। जी हाँ, 5 साल की बच्ची को अगवा करने के बाद उसको अपने झांसे में फंसा कर ले जा रहे थे। आपको बता दें कि बच्ची गायब होने पर बच्ची की माँ और मोहल्ले के लोग बच्ची को ढूंढने लगे। कुछ ही देर में लोगों ने 3 चोरों को रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस 3 आरोपियों को कोतवाली लेकर गई और मामले में कार्यवाही कर रही है। सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर जिले में लगातार वाहनों के चोरी की घटनाएं सामने आने से पुलिस विभाग ने अपने रुख सख्त कर लिए हैं, लेकिन चोरी की घटना अभी भी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर पुलिस विभाग ने सख्त दिशा निर्देश किया है कि चोरों पर अंकुश लगाकर इसको रोका जाए। जिसका संज्ञान लेते हुए SOG टीम ने थाना त्रिलोकपुर के साथ एक संयुक्त टीम बनाई और आज सुबह 2:35 पर वाहन चेकिंग कर रहे थे, तभी मंगल बाजार की तरफ से 4 संदिग्ध आते दिखे तो उनसे पूछताछ करने पर पुलिस को सही जवाब नहीं मिला। सख्ती करने पर पता चला कि चोरी की गई गाड़ियों को बेचना उनका काम है। नई गाड़ियों के दस्तावेज मांगने पर चोर कुछ भी दिखाने में असमर्थ रहे। पकड़े जाने पर चोरों के पास से 12 मोटरसाइकिल, एक देसी तमंचा, 315 बोर कारतूस बरामद किया गया। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की सभी खबरों के लिए देखते रहिए खबर टुडे न्यूज।